तो आज हम आपको लेकर आए हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर, और ये ब्रिज आप देख रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण ब्रिज है। ये ब्रिज कनेक्ट करता है कश्मीर को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से। इस ब्रिज के दूसरी तरफ, इस आधे ब्रिज ये हिंदुस्तान का है और आधा ब्रिज पाकिस्तान का। अगर इस ब्रिज को क्रॉस किया जाए तो ये जो सफ़ेद लाइन आप देख रहे हैं, ये सफ़ेद लाइन है उसके उस तरफ POK का इलाका शुरू होता है, और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने अपने झंडे लगा रखे हैं, और यहाँ पर पूरी तरह से कटीली तारे भी देखिए आपको दिखेंगी। अभी अगर आप यहाँ से आगे जाना चाहे तो नहीं जा सकते, एक हॉटलाइन मैसेज भेजना पड़ता है, और यहाँ पर लिखा हुआ है साफ तौर पर कि एट एनी गिवन टाइम ओनली 4 पीपल कैन क्रॉस। और अभी देखिए वो लाइन इंडिया से पाकिस्तान POK की एक कुत्ता क्रॉस कर रहा है, अगर आप देख पाए वहाँ पर। तो इंसानों के लिए बॉर्डर्स है, जानवरों के लिए शायद कोई बॉर्डर्स नहीं है। तो अब देखिए वो जो वो कुत्ता उस ब्रिज पे है, वो भी उस सफ़ेद लाइन पे रुक गया है, शायद पाकिस्तान नहीं जाना चाहता। तो दे अब देखिए, अब वो POK में दाखिल हो चुका है। तो 1947 में जब एक्सेशन हुआ था कश्मीर का, तो ये पूरा कश्मीर हमारा ही था, आज भी है, लेकिन आज यहाँ पर POK पर पाकिस्तान का कब्जा है एक तरह से। और अगर बात की जाए इस पूरे इलाके की, तो ये वन ऑफ द मोस्ट, एक तरह से बात की जाए हाईली मिलिटराइज्ड एरिया है। उस तरफ पाकिस्तान के कई सारे सैकड़ों बंकर आपको दिखेंगे। ये जो नदी नीचे बह रही है, ये किशन गंगा नदी है। ये एक तरह से एक बॉर्डर है जो हिंदुस्तान के कश्मीर को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से अलग करता है, और यहाँ पर हमारी पूरी तरह से मुस्तैदी रहती है, पूरी तरह से चाक चौबंद सुरक्षा रहती है, हर तरह से यहाँ पर सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम हैं, कटीली तारे हैं, सिक्योरिटी कैमराज है, ऑटोमेटिक बंदूकें हैं, फौजी सब हर वक्त यहाँ पर, BSF के जवान हो या फिर आर्मी के, पूरी तरह से यहाँ पर पेट्रोलिंग चलती रहती है। साल के 365 दिन 24 घंटे हर एक मिनट यहाँ पर पूरी तरह से नज़रें रखी जाती है जो भी मूवमेंट हो रहा है वहाँ। तो POK के उस तरफ आप देख सकते हैं कि बॉर्डर की इस तरफ जिस तरह का लैंडस्केप है, बॉर्डर की उस तरफ बिल्कुल उस तरह का ही लैंडस्केप है। झंडे बदल जाते हैं, वहाँ पाकिस्तान का झंडा है या हिंदुस्तान का झंडा। तो अगर बात की जाए अपने देश की, बात की जाए हिंदुस्तान की, बात की जाए हमारे जवानों की, तो वो यहाँ पर साल के 365 दिन पूरी मुस्तैदी से लगे रहते हैं सुरक्षा प्रदान करने के लिए, एक ही मकसद से कि देश के स्वाभिमान को, देश की इंटेग्रिटी को पूरी तरह से मेंटेन किया जाए, देश की सुरक्षा की जाए, और ये हमेशा करते हैं। कैमरा पर्सन के साथ में अक्षय डोंगरे, आज तक।